हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ एनसीईआरटी में। दोस्तों, आज मैं आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आने वाले एग्जामों में, क्योंकि तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका एक मार्क्स पक्का होने वाला है इस वीडियो के साथ ही। और मैं आपको बता दूं, जो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ये हर साल राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन और खेल के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, और इस साल भी दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट में किस किस का नाम है, किस किस को कौन सा पुरस्कार दिया जाने वाला है। तो हमारा पहला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फ्रेंड्स, जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1991 से लेके 92 में की गई है। और ये इसके अंतर्गत जो खिलाड़ी होता है उसको क्या क्या दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 7.5 लाख रुपये कैश दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इस बार किसको मिलने वाला है। ये मिलने वाला है बजरंग पूनिया को कुश्ती के लिए और दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुआ था, और इसमें 5 लाख की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। और इस साल के अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर को एथलेटिक्स के लिए, मोहम्मद अनस को एथलेटिक्स के लिए, स्वपन्ना बर्मन एस भास्करन को एथलेटिक्स के लिए, सोनिया लाठेर मुक्केबाजी, रविंद्र जडेजा क्रिकेट, चिंगलेनसना सिंह कांगुंजाम हॉकी, अजय ठाकुर कबड्डी, गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स, अंजुम मुदगिल निशानेबाजी, हरमित देसाई टेबल टेनिस, पूजा डांडा कुश्ती, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल के लिए, बी साई प्रणीत बैडमिंटन के लिए, सिमरन सिंह शेरगिल पोलो, प्रमोद भगत पैरा खेल बैडमिंटन एंड सुरेंद्र सिंह गुज्जर पैरा खेल एथलेटिक्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अवार्ड है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे। तो यह पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 है, और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख नगद इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पुरस्कार किस किस को मिल रहा है। ये मिल रहा है आपका मर्जबान पटेल को, ठीक है, हॉकी के लिए लाइफ टाइम में जो योगदान दिया है, रामवीर सिंह खोखर कबड्डी लाइफ टाइम में जो योगदान दिया है, संजय भारद्वाज क्रिकेट लाइफ टाइम जो अवार्ड वो दिया उन्होंने अपना योगदान दिया है, विमल कुमार बैडमिंटन के लिए, संदीप गुप्ता को टेबल टेनिस के लिए और मोहिंदर सिंह ढिल्लन को एथलेटिक्स के लिए। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका ध्यानचंद पुरस्कार, और यह पुरस्कार खेल कूद में जीवन भर आजीवन, मतलब जो भी है, उपलब्धि के लिए वर्ष 2002 से शुरू किया गया था, और यह सर्वोच्च पुरस्कार है। यह महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी के नाम पर है, और इस पुरस्कार से प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को सम्मानित जरूर किया जाता है, ठीक है ना। इस बार तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। चलिए देखते हैं किस किस को मिलने वाला है। ये मिलने वाला है मैनुअल फ्रेडरिक्स को हॉकी के लिए, अनूप बासक को टेबल टेनिस, मनोज कुमार कुश्ती, नितिन कीर्तने टेनिस, अंसी लाल रेमसांगा को तीरंदाजी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।